थाना महावन पुलिस को सूचना मिली कि मनोहरपुर के पास कुछ लोग बंद मकान में जुआ खेल रहे हैं। पुलिस ने जाकर वहां पर घेराबंदी की और घेराबंदी कर मकान के अंदर लगभग 2 दर्जन जुआरियों को जुआ खेलते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया गया। पकड़े गए सभी जुआरी मथुरा जनपद के साथ साथ पड़ोसी जनपद हाथरस की भी बताई गई है, जिनके पास से लगभग 2 लाख व ताश की गड्डियां बरामद की हैं। पुलिस द्वारा बताया गया कि यहां पर उनको पहले सूचना मिल रही थी कि इस तरह का जुआ बड़े पैमाने पर खेला जा रहा है और इस पर कार्यवाही करते हुए थाना महावन प्रभारी सुनील कुमार जोशी अपने पुलिस बल के साथ गए और उनको धर दबोचा और उनको विभिन्न धाराओं में कार्यवाही करते हुए जेल भेज दिया है। फिलहाल पुलिस की इस कार्यवाही से क्षेत्र में सनसनी फैल गई तो वही लोगों में तरह तरह की चर्चाएं भी व्याप्त है। पंचायत चुनाव के मद्देनज़र व अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में लगातार जो सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं, उसमें थाना महावन में कल एक सूचना प्राप्त हुई थी कि भारी संख्या में लोगों के द्वारा जमावड़ा कर वहां पर जुआ खेला जा रहा है। पुलिस टीम द्वारा वहां पर रेड किया गया। इस पूरी रेड में सफल रेड में 22 लोगों को अरेस्ट किया गया है। उनके कब्जे से 2,65,000 से भी ज़्यादा की जो धनराशि है वो मिली है, ताश की गड्डियां मिली हैं, मोबाइल फ़ोन्स मिले हैं व अन्य चीज़ें मिली हैं। इन सभी लोगों को अरेस्ट करके इनके खिलाफ़ मुकदमा पंजीकृत कर इनको जेल भेजा जा रहा है। ऐसी कार्रवाइयां आगे भी जितने भी ऐसे अवैध काम है, चाहे वो जुआ है, चाहे नशा है या अवैध शराब के काम है, लगातार सभी अधिकारियों को और सभी थानाध्यक्षों को और सभी फोर्स को ये निर्देश दिए गए हैं कि उनके ऊपर कड़ाई से प्रहार किया जाए और ऐसे सभी गतिविधियों पर नज़र रखते हुए इनकी समाप्ति की जाए।